नैनवा के लोगों ने अपनी बुरी रविश तर्क कर दी। हमारे लिए आज की पहली तलावत यूनस नबी की किताब तीसरा बाब पहली से दसवीं आयत तक। उस वक्त यूनस ने दूसरी बार खुदा का कलमा पाया। उसने कहा, उठ शहरे अजीम नैनवा को जा और उसे उस बात से आगाह कर दे जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूनस खुदा के कहे के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। बस नैनवा एक नहायत बड़ा शहर था। इसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी और यूनस शहर में दाखिल होकर 1 दिन की राह जाने लगा और वास करते हुए कहता था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा और नैनवा के बाशिंदे खुदा पर ईमान लाए और रोज़े का ऐलान करके सब के सब क्या अदना क्या आला टाट से मुलब्बिस हुए। और ये बात शाह नैनवा को भी पहुंच गई तो उसने तख्त से उठकर शाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया और फरमान सादिर किया कि बादशाह और अरकान दौलत के हुक्म से नैनवा में ये ऐलान हुआ कि कोई इंसान या हैवान या गाय बैल या भेड़ बकरी ना कुछ चखे ना खाए और ना पिए, अलावा इसके कि इंसानों हैवान टाट ओढ़ें और खुदावंद के हजूर गिरियावजारी करें और हर एक अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से तौबा करें, शायद खुदा अपना इरादा बदले और पछताए और अपने शदीद कहर से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से तायब हो गए हैं तो खुदा उस अजाब को जो उसने उन पर लाने को कहा था उसे लाया नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, ऐ खुदा तो शिकस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। ऐ खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमायती जवाब, ऐ खुदा तो शिकस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और ना अपनी पाक रूह मुझसे अलग ही कर। जमायती जवाब, ऐ खुदा तो शिकस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता और अगर मैं सोखती कुर्बानी भी दूँ तो खुश नहीं होता। ऐ खुदा शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ऐ खुदा तो शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा तो शिकस्ता दिल को हकीर ना जानेगा।